दोस्तों, आपने जंगली जानवरों की खूंखार भिड़ंत तो कई बार टीवी पर देखी होगी और लोगों से सुनी भी होगी, लेकिन क्या आपने कभी देखा है पक्षियों का खूनी खेल? दोस्तों, जिस तरह से जंगल में जंगली जानवरों का आतंक होता है, उसी तरह से इन खतरनाक पक्षियों का भी आसमान पर कब्जा चलता है। इनकी रेंज में आने वाला हर पक्षी इन खूंखार पक्षियों का शिकार हो जाता है। आज आपको इस वीडियो में हम ऐसी 10 सबसे खूंखार भिड़ंत दिखाने वाले हैं जिसमें एक पक्षी दूसरे पक्षी का बेरहमी से शिकार करता है, जिसे देखकर आपको भी उस पक्षी से डर लगने लगेगा। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे क्लिप्स जिन्हें देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। नंबर 1, फाल्कन। लगता है कबूतर आसमान में उड़ने वाला सबसे नरम टारगेट है इन शिकारी पक्षियों के लिए। अब इस कबूतर का शिकार किया है इस फाल्कन ने। हॉक की तरह ये फाल्कन अपने शिकार के साथ टाइम पास नहीं करते, बल्कि ये सबसे पहले उनका सिर ही खाते हैं। कुछ ही वार में ये फाल्कन्स कबूतर का सिर गायब कर देते हैं और सिर्फ उनका धड़ बचता है। कम से कम यहां कबूतर को अपने शिकार होने का मंजर तो नहीं देखना पड़ता। नंबर 2, हॉक्स। हॉक्स का सबसे आसान शिकार कबूतर होता है, और यहां आप देख सकते हैं कैसे एक हॉक ने कबूतर को अपने पंजे में जकड़ रखा है। यह कबूतर अभी तक जिंदा है और अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन हॉक उसे कोई भी मौका नहीं दे रहा। हॉक अपने शिकार को अपने पंजे में जकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी चोंच से उस पर वार करते रहते हैं। यहां आप देख सकते हैं कबूतर का सिर जो अभी तक सही सलामत है और वह सब कुछ देख सकता है। कितना दर्दनाक होता होगा खुद को इस तरह से जिंदा शिकार होते देखना। कितना ज्यादा दर्द होता होगा इस तरह से पक्षियों को। नंबर 3, पेलिकन्स। पेलिकन्स एक बड़ा बतख होता है और यह बतख की प्रजाति का ही पक्षी है। इसकी लंबी और सख्त चोंच इसे अपने शिकार को एक ही झटके में झपट लेने में मदद करती है। इस क्लिप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ये पेलिकन्स अपनी चोंच में एक कैप गैनेट के बच्चे को दबोचने की फिराक में है। कैप गैनेट अपने बच्चे को उनसे बचाने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके ये पेलिकन्स अपनी बड़ी सी चोंच फैलाते हैं और उसमें एक ही बार में बेबी कैप गैनेट को भर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पेलिकन्स उन्हें तुरंत ही खा जाते हैं, बल्कि ये इन बेबी कैप गैनेट को अपनी चोंच में ही दबाकर अपने घोंसले में उड़ जाते हैं और वह अपने बच्चों के साथ उसे खाते हैं। नंबर 4, बुलबुल। अक्सर मादा पक्षी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए उन्हें अकेला घोंसलों में छोड़कर चली जाती है। देखिए कैसे एक बुलबुल अपने बच्चों को चोंच से खाना खिला रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए उन्हें अकेला छोड़कर चली जाती है। इस क्लिप में देखिए कैसे ये बुलबुल के बच्चे अपने घोंसले में आराम से सो रहे हैं जबकि उनकी माँ उनके लिए खाना लेने गई है, लेकिन ये घोंसला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा। इस कौवे को यहां दिख गया है कि ये बुलबुल के बच्चे बिल्कुल अकेले हैं और ये अपनी चोंच को सीधा घोंसले में डालकर बेबी बुलबुल को ले उड़ता है, लेकिन बाकी के बेबी बुलबुल सुरक्षित रहते हैं। जरा देखिए कैसी दिल दहला देने वाली क्लिप है। वापस आते ही बुलबुल अपने एक बच्चे को गायब पाती है तो कैसे चीख पुकार करती है। नंबर 5, क्रो। दोस्तों, कौवा बहुत शातिर होता है। कौवों का सबसे आसान शिकार कबूतर होता है। अपने शानदार पैरों की मदद से कौवे किसी भी पक्षी का आसानी से शिकार करने में माहिर होते हैं। अब जरा यहां देखिए कैसे ये दो कौवे एक कबूतर का शिकार करके उसे खा रहे हैं। हालांकि लग रहा है कि इन्हें इस कबूतर का शिकार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। इन खूंखार कौवों के पंजों से जैसे ही कबूतर बाहर निकला तो जान बचाने के लिए उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक बार फिर इन दोनों शिकारियों ने कबूतर को धर दबोचा। कुछ देर तक कबूतर के साथ खेलने के बाद आखिर में कौवों ने एक आखिरी वार करते हुए कबूतर को मार दिया। नंबर 6, लेजर ब्लैक बैक्ड गुल।
देखिए किस तरह ये भूखी लेजर ब्लैक बैक्ड गुल इन नन्ही सी चिड़ियों में चोंच से मार मार कर चोट कर रही है। लग रहा है जैसे इसके अंदर के मांस को ढूंढ रही हो। पासी में कुछ और पक्षी भी उस शिकार में मुंह मारने को तैयार हैं, लेकिन लेजर ब्लैक बैक्ड गुल ऐसा होने कैसे देगी भला। वह अपने किए शिकार को किसी के साथ साझा नहीं करती, इसलिए उसे अकेले में खाना चाहती है। जब जब कोई शिकारी पक्षी किसी अन्य मासूम पक्षी को अपना शिकार बनाता है तो वह ज्यादातर बच्चे ही होते हैं जो अपनी जिंदगी को खो देते हैं। नंबर 7, सीगल एंड पीजन। दोस्तों, कोई भी शिकारी अपने शिकार को बच निकलने का एक भी मौका नहीं देता। अब जरा इस क्लिप को देखिए, कैसे अपनी चोंच में इस सीगल ने एक कबूतर को दबोच रखा है और कबूतर अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ा रहा है। शहर की भीड़ भाड़ भरे इलाके में इस तरह के खूंखार शिकार को होता देख किसी का भी दिल दहल सकता है। मासूम सा कबूतर अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उधर ये सिगल लगता है इस कबूतर को अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खाएगा। तभी देखिए किस तरह इस कबूतर को चोंच में दबाए इधर से उधर फिर रहा है। नंबर 8, सिगल एंड पफिन्स। दोस्तों, जरा इस क्लिप को देखिए। आपको लग रहा होगा कि ये सिगल भी पेंगुइन का शिकार कर रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये पेंगुइन नहीं है। सिगल का मुख्य शिकार होता है पफिन्स, जो दिखने में बिल्कुल पेंगुइन्स की तरह ही लगती हैं। पफिन्स अपने पंखों का इस्तेमाल करके कई फिट ऊंचाई तक आसमान में उड़ सकती हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे ये सिगल इस पफिन्स को एक ही बार में निगलने की कोशिश कर रहा है। सिगल का गला काफी मजबूत होता है, जिसकी मदद से ये किसी भी पफिन्स को एक ही बार में जिंदा ही निगल सकते हैं। अब जरा ये देखिए कैसे ये शिकारी खुद का शिकार बन जाता है। आप यहां देख सकते हैं कि एक पफिन जो अपनी चोंच में एक मछली को दबोच कर ला रहा है, अगले ही पल एक सिगल का शिकार हो जाता है। अपनी जान को खतरा भांपते हुए ये पफिन खाई की तरफ भागते हुए उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सिगल फिर भी इसे अपनी चोंच में दबोच लेती है। नंबर 9, स्कुआ एंड पीजन। स्कुआ भी एक बड़ा समुद्री पक्षी है और पक्षियों का वह शिकारी है जो अपने शिकार को एक ही झपट्टे में दबोच लेता है। स्कुआ शिकारी पक्षी सिर्फ पेंगुइन्स के बच्चों को ही शिकार बनाते हैं। सबसे पहले तो स्कुआ मौका तलाशते हैं पेंगुइन्स के बच्चों का शिकार करने के लिए और मौका देखते ही उन्हें झपट लेते हैं। जब मादा पेंगुइन्स का ध्यान अपने बच्चों की तरफ नहीं होता है, तब ये स्कुआ पेंगुइन्स के बच्चों को अपनी चोंच में दबाकर ले उड़ते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कैसे एक स्कुआ पेंगुइन के बच्चे को उठाकर ले जाता है, जबकि उसकी माँ खड़ी चीख पुकार करके रह जाती है। पेंगुइन्स के बच्चे को चोंच में दबोच कर ये स्कुआ दूर ले जाकर सबसे पहले उसके मांस को फाड़ देते हैं। अब जरा यहां देखिए कैसे स्कुआ पेंगुइन के बच्चे को ले जाने के फिराक में है, जबकि मादा पेंगुइन अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे अपने स्तन में छुपा कर खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ये स्कुआ मादा पेंगुइन पर चोंच से वार करके उसे भटका देते हैं और उसके बच्चे को ले जाने में कामयाब हो जाता है। जरा देखिए किस तरह एक ही वार में स्कुआ मादा पेंगुइन के सामने ही उसके बच्चे को जिंदा निकल जाता है। नंबर 10, पेट्रल एंड पेंगुइन्स। पेट्रल एक समुद्री पक्षी होता है जिसका रंग काला होता है और ये समुद्र के किनारे पाया जाता है। ये पेट्रल पक्षी पेंगुइन्स को अपना शिकार बनाते हैं। पेट्रल पक्षी मुख्यतः इन पेंगुइन्स का ही शिकार करते हैं। यहाँ इस क्लिप में आप देख सकते हैं कैसे बेरहमी से एक पेट्रल पक्षी किसी पेंगुइन का शिकार करके उसे खा रहा है। ये पेट्रल पक्षी किसी भी तरह का दया भाव नहीं रखते और अपने शिकार को देखते ही अपनी तेज तर्रार चोंच से पहले तो उसे घायल करते हैं, फिर उनका चीर फाड़ करके शिकार बनाते हैं। धीरे धीरे बाकी के पेट्रल पक्षी भी वहां आ जाते हैं और इस बेचारे पेंगुइन का शिकार करने लग जाते हैं। यहां आप देख सकते हैं कैसे यह खूंखार शिकारी इतने सारे पेंगुइन के बीच में से किसी एक पेंगुइन को अपनी चोंच में दबोच रहा है। दूसरे पेंगुइन उस पेट्रल के चुंगल से निकलने के लिए हिम्मत देते हैं, लेकिन तभी वहां दूसरा पेट्रल भी आ जाता है और पेंगुइन के दोस्त भी समझ चुके हैं कि अब उनका दोस्त नहीं रहा। दोस्तों, जंगली जानवरों और पक्षियों का जीवन कितना खतरों से भरा है ये तो आप लोग जानते ही हैं। आए दिन कोई ना कोई कमजोर और छोटा जानवर किसी ना किसी खूंखार और शक्तिशाली जानवर का शिकार बनता है।
लेकिन पक्षियों की ऐसी भिड़ंत तो किसी के भी पसीने छुड़ा सकती है। मासूम से दिखने वाले ये पक्षी भी किसी का बेरहमी से शिकार कर सकते हैं, कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। आपको किन पक्षियों की भिड़ंत देखकर डर लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जंगल की किसी और नई कहानी के साथ। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक कर